17 जून को सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वेबर ने फादर्स डे सेलिब्रेट किया। दोनों ने इस मौके पर बच्चों के साथ कराई फोटोशूट की कुछ झलक शेयर की। डैनियल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो अपलोड की है जिसमें वो पत्नी सनी और बेटी निशा के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं सनी ने भी फादर्स डे के मौके पर एक फोटो शेयर की। इसमें वो पति और तीनों बच्चों, बेटी निशा, जुड़वा बेटों नोवा और आशर के साथ गुरुद्वारे के बाहर दिखाई दे रही हैं। दोनों ही फोटोज बेहद स्टनिंग है। इसमें सनी और डैनियल की बच्चों के साथ बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। बता दें कि सनी जल्द ही तमिल फिल्म वीर महादेवी में नजर आएंगी। सनी लियोनी तीन बच्चों की माँ बनकर बेहद खुश हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इसका कारण केवल उनकी फिल्मों या स्टाइल स्टेटमेंट ही नहीं होता, बल्कि इसकी और भी कई वजहें होती हैं, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें, उनके अफेयर्स, शादियां, झगड़े और भी न जाने क्या क्या। इनके रिश्ते इतने अजीब होते हैं कि इस बारे में कहना मुश्किल है कि इनका दिल कब और किस पर आ जाए। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक्टर्स की जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बार शादियां की हैं। चलिए जानते हैं उन्हीं के बारे में। सैफ अली खान। सैफ अली खान ने दो शादियां की हैं। पहली शादी अपनी उम्र से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से की, लेकिन शादी के 13 सालों के बाद उनका तलाक हो गया और फिर साल 2012 में सैफ ने करीना से शादी कर ली। आमिर खान। आमिर खान ने भी बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही रीना से शादी कर ली थी। उन दोनों के दो बच्चे भी हैं। रीना से तलाक के बाद आमिर ने किरण राव से शादी कर ली। संजय दत्त। संजय दत्त ने भी एक से ज्यादा शादियां की हैं, जिनमें उन्होंने सबसे पहले 1987 में ऋचा शर्मा से शादी की, फिर 1997 में उन्होंने दूसरी शादी की रिया पिल्लई से, और फिर 2005 में उन्होंने तीसरी शादी की मान्यता दत्त से, जिनसे उनके दो बच्चे भी हैं। करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर ने पहली शादी 2008 में श्रद्धा निगम से की थी। इसके बाद इन दोनों ने 2009 में तलाक ले लिया। इसके बाद करण ने दूसरी शादी जेनिफर विंगेट से 2012 में की। 2014 आते आते दोनों ने तलाक भी ले लिया और अभी फिलहाल करण अभिनेत्री बिपाशा बासु से शादी कर चुके हैं। राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी ने इंडस्ट्रियलिस्ट राज कुंद्रा से शादी की। राज इससे पहले कविता से विवाहित थे। सिद्धार्थ रॉय कपूर। विद्या बालन ने यूटीवी के सीईओ सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की। विद्या से पहले सिद्धार्थ ने दो शादियां और की थीं। सिद्धार्थ की पहली पत्नी उनके बचपन की दोस्त आरती बजाज थी। अपनी पहली शादी टूटने के बाद सिद्धार्थ ने दूसरी शादी टीवी प्रोड्यूसर कविता से की, लेकिन ये शादी भी जल्द ही टूट गई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म इस साल स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। टीजर की बात करें तो इस टीजर की शुरुआत एक संदेश से होती है जिसमें लिखा है, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। इसके बाद दूसरा संदेश कहता है, इससे आपको क्या लगता है, 200 साल तक हम अंग्रेजी राष्ट्रगान के लिए खड़े होते रहे हैं, जब तक कि एक अकेले आदमी के ख्वाब ने अंग्रेजों को हमारे राष्ट्रगान पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। जितनी जबरदस्त ये लाइन है उतना ही धांसू ये टीजर भी है। इस टीजर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये भी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें आजादी के पहले भारत और ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना लिए एक भारतीय हॉकी प्लेयर की कहानी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ टीवी सीरियल की फेमस स्टार मोनी रॉय नजर आएंगी। मोनी अपने टीवी सीरियल नागिन के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में अपने लिए खास जगह पहले ही बना चुकी है। ये मोनी रॉय की डेब्यू फिल्म होगी, हालांकि इसके बाद वो जॉन अब्राहम की फिल्म रॉ और ब्रह्मास्त्र में दिखने वाली है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।